सुनने की सरशारी इस कायनात में पिन्हा है। अगर देखा जाए तो ये कायनात भी तो रक्सा है। सितारों का झुरमर, ये जमीन सूरज के गिर, इसमें बसने वाली चीजें आबशार, ये परिंदे सब अपनी धुन में मगन हैं। रक्स नहायत ही खूबसूरत चीज है, एक कला है, एक फन है। बिनती करत रक्स करते वक्त ऐसा लगता जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। एक सुकून था जो मुझे महसूस होता था। रक्स आपको आजाद करता है, उसके लिए कंट्रोल भी जरूरी है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्टरी दो चीजें हैं कि एक जगह आपको आज़ाद होना है और एक जगह आपको अपनी सारी मूवमेंट्स कंट्रोल्ड रखनी है। तो हाँ, प्रैक्टिस भी है, एक पूरा फॉर्म है, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी प्रैक्टिसेस होती हैं। और कथक बहुत खूबसूरत एक रक्स है। भरतनाट्यम बहुत मैस्कुलिन है, कथक फेमिनिन है, उसमें हर चीज़ बड़ी खूबसूरत होती है। आदाब होते हैं हर चीज के, रक्स के भी हैं, कथक के भी हैं, लेकिन खुद को उसमें उस रक्स में बहने देना वो जरूरी होता है। दुनिया माफिया से बेरक मैं रक्स में गुम हो जाती थी। कभी कभी मैं इसमें इतना डूब जाती कि ऐसा लगता कि मैं बिल्कुल तन्हा रक्स कर रहा हूँ। मगर मैं अकेली नहीं थी, मेरा साथी भी था। न जाने वो कहाँ चला गया। मैं तन्हा सी हो गई। यूं लगता कि मैं सहरा में तिशना सफर कर रही हूँ। मैं सरापा फरियाद बन गई। कथक के लफ्जी मतलब जो है वो कहानी सुनाने वाला, स्टोरी टेलर।
तो कहानी आप सुनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक्सप्रेशंस भी होंगे, उसमें मज़े मज़े की बातें भी होंगी, उसमें एक टेक्निक भी होगी, उसमें चक्कर भी होंगे, तो वो सारी चीज़ें मिला के एक खूबसूरत सी एक ठुमरी जो कि एक्सप्रेशन से भरपूर होगी और उसमें टेक्निक भी होगी डेफिनेटली, और वो मिला के हमें खूबसूरत वाकया हम बयान कर रहे होंगे, एक किस्सा बना रहे सुना रहे होंगे ताकि लोगों के लिए वो एक दिलचस्पी का अंसर हो, खूबसूरत अंदाज। कथक में एक स्टोरी बयान कर रहे होते हैं तो वो स्टोरी वो कुछ भी हो सकती है, वो आप अपने कोई महबूब का वाकया भी सुना रहे हैं, अगर जुनून नहीं होगा तो शायद वो बात नहीं आ सकेगी, और वही चीज़ बाज़ दफ़ा आप इतना महव हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि फिर आपको कोई भी नज़र नहीं आता, फिर आप होते हैं या वो आपका महबूब होता है। लेकिन फिर मेरी फरियाद ख़त्म हुई और वो वापस मेरी ज़िंदगी में पलट आया। उस दिन मुझे एहसास कि मेरा साथी वही रक्स ही तो था जो मुझे महबूब की शक्ल में नजर आता था।